गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज जो है हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं ये क्लास नाइन्थ का पहला चैप्टर है और आपकी शुरुआत एक तरह से हम नई क्लास की करने जा रहे हैं। और अब हम लोग ऑनलाइन के माध्यम से ही जो है कि अगर घर पर बैठ कर पढ़ना चाहते आराम से पढ़ सकते हैं। तो आते हैं टॉपिक पर। जो पहली जो है चैप्टर है मैथ का, वो है मैथ का नंबर सिस्टम। आप एनसीईआरटी बुक या कोई भी बुक को खरीद खोलकर आरएस अग्रवाल खोलकर देखिएगा तो आपको पहला चैप्टर नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। तो आपको बता दें बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं और क्लास 6-7 हाल फिलहाल में 8 में हम पढ़े हैं, नंबरों का खेल पर ही मैथ टिका हुआ है। मैथ में नंबर का बहुत ही एक विशेष स्थान है, नंबर जानना बहुत जरूरी है। और पहला चैप्टर आपको क्या सिखा रहा है नंबर के बारे में, तो आते हैं नंबर के बारे में जानते हैं। नंबर में आपको सम विषम प्राकृत पूर्ण बहुत सारी संख्याएं होती है। अब वन बाई वन करके देखेंगे। सम संख्या है, अगर इसके बारे में परिभाषा की बात की जाए जिसको इंग्लिश में इवन नंबर कहते हैं, तो वैसी संख्या है जो दो से डिविजिबल हो। दूसरी बात की जिसकी इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 रहे वो पक्का दो से कट जाएगा। अगर हम कितना भी बड़ा अंक लिखते हैं, अगर बड़ा अंक है लेकिन इकाई के स्थान पर हम देख लें कि अगर 4 है तो हम सीधे कह देंगे कि एक दूसरे डिविजिबल है और ये इवन नंबर, सीधा बोल सकते हैं। और अगर छोटी छोटी संख्याएं हैं तभी भी इकाई का स्थान तो सिंगल होगा, तो स्वयं पता चल जाएगा कि दो से ये डिविजिबल है कि नहीं। तो आपको दू से डिविजिबल जितनी संख्याएं होगी वो सब इवन कहलाएगी। अगर इसमें हम थोड़ा सा कोई डिजिट दूसरा लिख देते हैं, जैसे कि हमको क्या बोले इकाई के स्थान पर 2, 4, 0 से 2, 0, 2, 4, 6, 8 ये 5 डिजिट अगर यहाँ पर मिलता है तभी इवेन होगा। अगर इसके अलावा 1, 3, 5, 7, 9 मिलता है तो ये ऑड हो जाएगा। तो ऑड इवेन एक तरह से एक दूसरे पर निर्भर है, जिसको इवेन मालूम है ऑड भी मालूम हो जाएगा। विच नंबर डू नॉट डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड ऑड नंबर। जो संख्या दो से डिवाइड नहीं होगा, भाग नहीं होगा, उसे ऑड नंबर कहते हैं। तो इसी तरह और भी संख्या है जो नीचे से पढ़े, जैसे अभाज्य संख्या, वैसी संख्या जो एक से कट है या स्वयं से कट है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अगर सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात की जाए तो 2 होता है। 2 का फैक्टर, चूंकि 2 होता है, 2 का फैक्टर 2 डिजिट होता है, एक से कटता है, एक स्वयं 2 से कटता है। तो इसी तरह जो है कि आपको अभाज्य संख्या हो गया। अभाज्य का भाई है यौगिक संख्या, जिसको इंग्लिश में कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो वैसी संख्या जिसके फैक्टर 2 मोर देन डिजिट हो, 2 मोर देन डिजिट मतलब 2 से अधिक फैक्टर। फॉर एग्जांपल कि अगर सबसे छोटी अभाज्य की बात यौगिक की बात की जाए तो 4 होता है। 4 के पहले जितने भी डिजिट है 1, 2, 3 इसका फैक्टर सिर्फ 1 और स्वयं होता है, 1 होगा नहीं तो इटसेल्फ स्वयं होगा। लेकिन इसके बाद 4 से जो संख्या शुरू होती है तो 4 एक से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से, चूंकि 3 इसके 3 डिजिट से डिविजिबल है, इसलिए ये सबसे छोटी कंपोजिट नंबर यानी कि यौगिक संख्या होती है, सबसे छोटी, ठीक है ना। अब इस तरह से ये कंपोजिट नंबर हो गया, प्राइम नंबर हो गया। अब आपको यहां पर दिखाई दे रहा है प्राकृत संख्या, जो आपको क्लास 9 से जानना है, ये बेसिकली आपको बता रहे। तो प्राकृत संख्या से जानना है, प्राकृत संख्या जिसको एन से सूचित करते हैं, नेचुरल एन, कैपिटल एन। तो ये संख्या की शुरुआत 1 से लेकर अनंत तक, संख्या कभी खत्म नहीं होगी, तो 1 से अनंत तक। फॉर एग्जाम्पल 1 से जो भी संख्या शुरू होगा, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 जो भी संख्या शुरू होगा वो सब कहने का मतलब क्या हो जाएगा, वो सब आपको अनंत तक जाएगा, अनंत तक। संख्या तो अनंत तक, संख्या अगर कोई आपसे ये क्वेश्चन कर दे कि दुनिया की आखिरी डिजिट क्या है, अरे भाई आखिरी डिजिट क्या है, कोई भी डिजिट हम देंगे उसमें दूसरा कोई आके एक और डिजिट लगा देगा तो आखिरी कैसे होगा, यानी अंतिम संख्या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, मतलब कि हो ही नहीं सकता, ठीक है ना, असंभव वाली बात। तो इसलिए 1 से हम शुरुआत याद रखेंगे कि वैसी संख्या जो 1 से शुरू हो और अनंत तक जाए तो उसे हम कहेंगे प्राकृत संख्या, जबकि उसका एक पूर्ण संख्या दूसरा नंबर है। पूर्ण संख्या क्या है भाई, पूर्ण संख्या बस इसी अंकों में 0 बढ़ाते हैं, इसी अंकों में अगर हम 0 बढ़ाकर इसको नॉन टर्मिनेटिंग मतलब अनंत तक ले जाते हैं तो समझो कि ये बन जाता है पूर्ण संख्या, जिसको कैपिटल डब्ल्यू शॉर्टकट में W से इंडिकेट करते हैं, होल नंबर, पूर्ण संख्या। उसके बाद आपको आता है ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या। अगर ये दोनों संख्याओं में अगर हम माइनस लगाते हैं, जैसे -1, -2, -3 कोई भी संख्या में अगर हम माइनस लगाते हैं तो समझ जाइए कि वो संख्या जो है ना कि आपको हो जाता है ऋणात्मक यानी कि निगेटिव। लेकिन कोई संख्या में अगर प्लस लगा के हम लिखते हैं +1, +2, +3, +4
है ना, तो वो संख्या हो जाता है क्या, वो संख्या धनात्मक हो जाता है। अब देखिए, अब आपको आता है इंटीजर यानी पूर्णांक। पूर्णांक के लिए आपको जैसे एक नंबर लाइन ले लिया, संख्या नंबर लाइन की जरूरत पड़ेगी, नंबर लाइन ले लिया, ये जीरो हो गया, एक मिडिल मिड पॉइंट सेंटर पर जीरो हो गया। तो जीरो के याद रखना है, जीरो के एक साइड पॉजिटिव अंक होता है और जीरो के एक साइड निगेटिव अंक होता है। तो ये पॉजिटिव और इंटेजिस जो मतलब कि ये डिजिट है, ये डिजिट को हम इंटेजर्स बोल सकते हैं, मतलब कि वैसी संख्या जो ऋणात्मक और धनात्मक किसके साथ, जीरो के साथ, वैसी संख्या जो मतलब धनात्मक और ऋणात्मक जीरो के साथ लिखी जाती है सभी इंटेजर्स यानी पूर्णांक कहलाते हैं। अब जो है कि आता है टॉपिक पूर्णांक लिखने का परिमेय संख्या, और परिमेय पर बहुत सारे क्वेश्चन है, परिमेय और अपरिमेय, नाइन्थ में एकदम घेरे हुए, क्लास टेंथ में भी अपरिमेय मिलेगा आगे जाए। तो परिमेय संख्या जानना है, तो परिमेय संख्या क्या होता है, जिसको इंग्लिश में रेशनल नंबर बोलते हैं। तो याद रखिएगा कि वैसी संख्या, आपको भिन्न याद होगा, आप नीचे पढ़े होगे भिन्न, भिन्न जिसको फ्रैक्शन बोलते हैं, फ्रैक्शन पढ़े होगे भिन्न। भिन्न को हम कैसे लिखते हैं भाई, पी वाई क्यू के रूप में लिखते हैं। भिन्न को हम लिखते हैं पी वाई क्यू के रूप में, पी वाई क्यू मतलब अंश बटा हर। अगर इंग्लिश में बात की जाए तो न्यूमिनेटर बाई डिनोमिनेटर, तो न्यूमिनेटर बाई डिनोमिनेटर कोई भी संख्या को अगर हम लिख देंगे ना तो पक्का है कि वही परिमेय संख्या होगी। लेकिन एक बात ध्यान देना है कि क्यू उसका क्यू कैन नॉट इक्वल जीरो, उसका क्यू नीचे के भाग कभी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर जीरो होगा तब वो परिमेय नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल हम कोई भी अंक लिखते हैं, दो बटा तीन माइनस में लिखे या प्लस में दो बटा तीन, चार बटा पांच लिखे, आठ बटा दस लिखे, कोई भी संख्या लिखते हैं, कोई भी संख्या, ये सभी संख्या क्या होगी, ये सभी संख्या परिमेय संख्या होगी। लेकिन अगर इसी में हम बात करें कि अगर हम चार बटा जीरो लिखते हैं, पांच बटा जीरो लिखते हैं, पूछा जाए कि ये परिमेय है कि नहीं, तो बिल्कुल परिमेय नहीं होगा रेशनल, क्योंकि यहां पर बताया गया है कि क्यू कैन नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये आपको हो गया कहने का परिमेय संख्या, ठीक है ना, ध्यान देना है। तो परिमेय संख्या बटा में लिखा होता है। अब आती है बात अपरिमेय, परिमेय का ठीक दूसरा भाग अपरिमेय। अपरिमेय आपको क्लास नाइन्थ में पढ़ना है, लेकिन ज्यादातर टेंथ में पढ़ना है और आगे मिलेगा। तो अपरिमेय संख्या यानी जिसको इंग्लिश में इरेशनल नंबर कहते हैं, रेशनल का ठीक इरेशनल नंबर। तो अपरिमेय क्या होता है, अपरिमेय का सबसे बड़ी चीज होता है कि उसको पी वाई क्यू के रूप में जब हम लिखते हैं तो पी वाई क्यू के रूप में रहवे नहीं करता, उसको पी वाई क्यू में रुक नहीं सकता। अपरिमेय जानने के लिए अगर हम कोई संख्या पांच बटा सात लिख दी तो ये अपरिमेय है कि नहीं अभी पता नहीं चल पाएगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि सात से पांच में भाग दोगे, तो सात से भाग दोगे तो यहाँ पर डेसिमल लोगे, सात आएगा, फिर तीन से जीरो एक मरतबे ऐसे, फिर सात चौक अट्ठाईस है ना, चार मरतबे दो जीरो ऐसे कटाते जाएंगे। तो कटाते के बाद अगर लाते जाएंगे तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, और जब नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो हम समझ जाएंगे कि क्या है, ये अपरिमेय। तो पी वाई क्यू के रूप में जो ऐसे रहेगा तो परिमेय कहलाएगा, लेकिन अपरिमेय है कि नहीं इसको जांचने के लिए सबसे पहले इसको डिविजुअल करना होगा, डिवाइड। अगर फ्रैक्शन में है तो तब पता चलेगा क्या है, परिमेय है या अपरिमेय। अगर ये पूरी पूरी कट जाएगा तो ये परिमेय है, नहीं कटेगा तो ये अपरिमेय। सबसे पहली बात अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, दूसरी बात इसी में अपरिमेय कि वैसी सभी संख्या जो रूट में ही रह जाए, यानी कि जो आप क्लास आठ एट पढ़कर अभी नाइन्थ में आए हो तो उसका पहला ही चैप्टर स्क्वायर वर्ग वर्गमूल पढ़े होंगे, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, तो उसमें पढ़े होगा पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग यानी कि परफेक्ट स्क्वायर। जो जो संख्याएं का पूर्ण वर्ग, जैसे कि हम रूट चार लिखते हैं तो इसका वर्गमूल दो निकल सकता है, अगर हम मान लीजिए कि रूट नौ लिखते हैं तो उसका वर्गमूल तीन निकल सकता है, तो ये सब हो गया परफेक्ट स्क्वायर मतलब पूर्ण वर्ग हो गया। लेकिन अगर हम रूट पांच का बात करें, रूट सात का बात करें, रूट आठ का बात करें या रूट दो का बात करें, तो इसको जब हम निकालेंगे ना तो इसका वर्गमूल आपको पूरी तरह कट ही नहीं सकता, यानी कि जैसे डिवाइड देने के बाद ये संख्या नॉन टर्मिनेटिंग है, उसी तरह इसका भी वर्गमूल 1.41 ऐसे डॉट डॉट करके आपको ना आते जाएगा, कटेगा ही नहीं। तो वैसी संख्या जो पूर्ण वर्ग मतलब कि पूर्ण उसका स्क्वायर नहीं निकले, परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो, तो वो सभी अपरिमेय संख्या का, ठीक है ना। तो बच्चों आज जो है क्लास नाइन्थ के मैथ्स का पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिस जो एक्सरसाइज 1.1 है,
संयोग से अभी NCERT बुक हम पढ़ाने जा रहे हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा अवेलेबल। तो NCERT बुक का पहला चैप्टर एक पर क्वेश्चन और फर्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर एक कह रहा है कि क्या जीरो को हम परिमेय संख्या कहेंगे कि नहीं। तो आपको बता दे कि जीरो को परिमेय संख्या हम कह सकते हैं। कब कहेंगे? क्योंकि अभी जीरो है ना, तो यहाँ पर हम जीरो के नीचे एक लगा सकते हैं, जीरो के नीचे दो लगा सकते हैं, जीरो के नीचे तीन लगा सकते हैं, बिल्कुल जीरो के नीचे संख्या हम लिख सकते हैं। लेकिन इससे पहले जो हम डिफिनेशन जो आप पढ़ते हो उसे परिमेय संख्या का डिफिनेशन कहता है कि p by q के रूप में तो रहे, लेकिन साथ में p by q के रूप में ये ध्यान देना है कि q के रूप में जीरो नहीं रहे, यानी कि q can not equal to be zero, q जीरो के बराबर नहीं रहे। लेकिन यहाँ पर जो जीरो है किसके रूप में? p के रूप में है। तो ये तो हो सकता है, पॉसिबल है, यहाँ तक कि ये भी पॉसिबल है कि हम किसी भी अंक को माइनस में भी लगा सकते हैं नीचे, और ये सब परिमेय जो है कि रूप यानी रेशनल के रूप में आपको नजर आएगा। तो अगर क्वेश्चन कह रहा है तो हम यहाँ हाँ यानी कि यस तो लिखेंगे, लेकिन क्यों है तो इसको लिख कर दिखाएंगे एग्जाम्पल में, यहाँ तक माइनस में भी लिख सकते हैं। तो क्यू के रूप में जीरो ना होकर दूसरे सब डिजिट है तो ये पॉसिबल है, इसलिए हाँ है जीरो एक परमेश्वर। तो अभी क्वेश्चन नंबर एक हम लोग पढ़ लिए, अब दो नंबर अगर क्वेश्चन दिया हुआ है कि तीन और चार के बीच, वो भले पांच पूछा या छ पूछा, कितना भी पूछ सकता है, पांच या छ परमेय संख्या बताए। मतलब कि इंग्लिश से अगर बात की जाए तो राइट सिक्स रेशनल नंबर, सिक्स या फाइव, राइट सिक्स या फाइव जो है रेशनल नंबर बिटवीन थ्री एंड फोर। अब मान लीजिए थ्री और फोर के बीच में, आपको मान लीजिए कि तीन और चार के बीच में आपको मतलब कि छ को रेशनल, अरे छ को क्या, सौ को करता, हजार को करता, तब हम लिख ले, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसको लिखने का जो तरीका ना स्टेप है जो, वो दो तरीके से, दो चरण में आपको बता रहे थे, यानी कि पहला सॉल्यूशन आपको बता रहे हैं, पहला तरीका कि आपको करना क्या है कि तीन बटा इसमें आपको लिखना क्या है, पांच या छ या सात लिखना है। तो अगर दस बटा दस से गुना करते हैं और एन इसे भी दस बटा दस से गुना करते हैं तो आपको एक संख्या मिलता है तीस बटा दस एंड 40/10 एंड 40/10 इक्वल टू, आपको अगर सिक्स डिजिट लिखना है हो आराम से पॉसिबल है ना। 30 के बाद आपको देख लीजिए 31 आता है, 32 आता है, 33 आता है, 34 आता है, 35 आता है, ये अभी पांच लिख दिए, 36 आता है, ये सिक्स लिख दिए, अगर 7 आएगा, 8 आएगा, 10 कुछ भी आ जाएगा, ये 90, ये अगर डिजिट आए तो इसमें 39 तक आप लिख सकते हो आराम से। तो नौ संख्या हो गई जबकि आपको पांच छह को लिखना। अगर हम यहाँ पर 100 भी लिख देंगे तो इसको सीधा 1000 बना देंगे। अब 1000 के बाद आ जाता है 3000 और 4000। अब 3000 और 4000 तुम तो सौ को बोला, हम तो एक हजार लिख सकते, 999 डिजिट लिख देंगे, आप सौ को बोले। तो दुनिया का कोई भी दो अंकों के बीच अगर संख्या पूछा जाए ना कि दो अंकों के बीच संख्या कितनी हो सकती है तो अनगिनत खत्म ही नहीं होने वाला, वो अपने हाथ है। ये तो पांच को छह को लिखवा रहा है, अब कितना लिखवाएगा, टाइम कौन सा लिखवाएगा। तो ये पहला सोल्यूशन था, लेकिन इसी का अगर हम सेकेंड सोल्यूशन की बात की जाए तो थोड़ा सा बड़ा होता है। ये क्लास एट में पढ़ना है दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या कैसे लिखना है। अगर इसकी बात की जाए तो ए को हम मान लिए ए और ए को मान लिए बी और ए बी मानने के बाद हम शुरू करते हैं। जैसे कि आपको लिखना है फर्स्ट रेशनल नंबर अगर इंग्लिश में बात की जाए तो, और हिंदी में अगर इसको कहे तो पहली परिमेय संख्या आपको लिखना है जबकि पांच को पुराना है, लेकिन हम पहले शुरू करते हैं। तो क्या लिखेंगे भाई, ए प्लस बी अपॉन टू,
ए प्लस बी अपन टू यानी कि ए प्लस बी इक्वल टू मतलब बाई सॉरी बाई टू डिवाइड टू से करना। तो हम क्या करेंगे कि ठीक से देखेंगे तो तीन प्लस चार बटा दू, और ध्यान से देखिए आपको अगर इसको हम जोड़ते हैं तो सात बटा दू आता, हम यहां भी छोड़ सकते हैं, या अगर इसको काटेंगे तो 3.5 आएगा। ध्यान से देखिए कि ये साढ़े तीन वाला अंक ये दोनों के बीच में आता है कि नहीं, एकदम आपको लगेगा आएगा। तो ये एक सूत्र है कि ए प्लस बी अपन टू, ये पहली पर में लिख दिया। अगर मान लीजिए कि हमको सेकंड पर में मतलब सेकंड रेशनल लिखना है, ऐसे डालिए हिंदी वाला डाल देगा जैसे कि दूसरी परिमेय संख्या है ना, दूसरी परिमेय संख्या डालकर अगर आपको लिखना है तो फॉर्मूला आपका वही होगा ए प्लस बी अपन टू। अरे भाई ए प्लस बी अपन टू तो लिख दिए, तो ए प्लस बी एक और अपन टू, अरे भाई हर बार तो यही आएगा आपके दिमाग में, यही चल रहा हो बिल्कुल नहीं। अभी देखिए क्या करना, ये जो एक पहले संख्या आया था आपको ये समझिए ये अपन में ठीक है 7/2 आया था, हम क्या करेंगे कि एक जगह पर को मान बदल देंगे, एक को अब ये रखेंगे और इसमें से कोई भी एक रख लेंगे साथ में। मान लीजिए हम 3 रख लिए इसका पहला अंक, अब आई 2 कर दिए, मतलब कि जो संख्याएं आएगा उसमें किसी को बारी बारी से जोड़ते जाइए, एक नया नया संख्या आते रहे। अब इसको सॉल्व कीजिए, 2 1 का लघुत्तम 2 आएगा तो यहाँ 7 आएगा और यहाँ पर क्या आएगा 6, और ये जो 2 उठ के है ना यहाँ आ जाएगा 2 उठ के बगल में डोमिनेटर, इसको सॉल्व करेंगे तो 13/4 आएगा। आ इसको सॉल्व करेंगे अगर इतना भी छोड़ सकते कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम कटा रहे 3 4 12.3। और ध्यान से देखिए कि ये संख्या इसके बीच में आ रहा है, आपको बस ऐसा ही लपेटते जाना आगे बढ़ते जाना, कुछ नहीं बस चेंज करते जाना। अगर हम तीसरी संख्या की बात कीजिए, आपको ऑनली बता रहे तीसरी संख्या की बात की जाए, तीसरी कैसे होगा तो उसमें कुछ नहीं करना, आपको करना क्या है कि एक नया संख्या 13/4 है इसमें आप इसको जोड़ दीजिए अब बाई अपन टू, ये फॉर्मूला सब में चलेगा ए प्लस बी अपन टू सब में, जितनी संख्या लिखोगे आपको तो लिखना कितना है 5 या 6 तक जाना है, आपको इसको बढ़ाते जाना है ठीक है ना। और बढ़ाने के बाद जो है कि आपको ये जो नई नई संख्याएं आएगी फ्रैक्शन वाले जो भिन्न के रूप में आएगा रेशनल रूप में, ये परिमेय संख्या में बस इसको बारी बारी से बदल बदल के जोड़ना है। कभी कभी आप इसको भी जोड़ सकते हो, अभी ये इसको जोड़ कर बाई टू करोगे तो फिर एक नया संख्या है, और जब उसको डिवाइड करोगे ना तो जो संख्या आएगा ना डिविजुअल के बाद वो संख्या कन्फर्म होगा कि दोनों के बीच में। तो अगर बात की जाए नॉलेज की तो ये बहुत ही सिंपल तरीका, ये जो तरीका हमने बताया तो सिंपल तरीका है, लेकिन अब बात रहे कि आपको तरीका है मालूम होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई कहेगा कि नहीं हमको इस विधि से नहीं जानना है, हमको दूसरा विधि से जानना है, हमें दूसरा स्टेप बताइए, तो ज्ञान रहेगा तो आप कोई भी स्टेप बता सकते। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.1 का। आपको क्वेश्चन नंबर 4 में ट्रू फॉल्स करना है, यानी कि सही गलत, कौन सा स्टेटमेंट सही और कौन सा स्टेटमेंट गलत। अगर क्वेश्चन पूछ रहा है पहला क्वेश्चन, जैसे कि आपको कहने का था बुक में आप देखिएगा तो बुक में आपको दिखाई देगा, बुक में दिखाई देगा कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज अ मतलब कि नेचुरल नंबर जितने भी है वो होल हो सकते हैं कि, अरे नेचुरल नंबर 1 से चालू हुआ था डॉट, होल नंबर 0 से चालू हुआ था जिसमें 1 2 3 डॉट, मतलब कि इसमें का जितना अंक है इसमें है, सिंपल सी लॉजिक कि इसमें का जितना अंक आएगा उसमें आएगा, यानी कि एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर इज ट्रू, क्योंकि इसकी पूरी संख्या इसमें प्रेजेंट। लेकिन अगर हम एक क्वेश्चन बदल कर कहें कि एवरी मतलब एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर, तो हम इसका आंसर लिखेंगे नो, सभी पूर्ण मतलब की पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या हो सकती है क्या, बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि इसमें का जो 0 है ये 0 इसमें कहां है, तो इस 0 के कारण ये अंतर में आ गया, तो ये सब नहीं हो सकता, लेकिन ये सब इसमें घुसा हुआ है। तो ये 2 क्वेश्चन में पूछा तो यही है 1 नंबर में, लेकिन ये क्वेश्चन अगर नहीं पूछा पूछ दे तो आप नो लिखोगे। ध्यान देना कि प्राकृत पूर्ण हो सकती है लेकिन पूर्ण प्राकृत नहीं हो सकती। क्वेश्चन अगर पूछेगा कि 2 इरेशनल नंबर को हम जोड़ते हैं, ये बुक में नहीं है एग्जांपल, आपको नॉलेज की बात करें कि द सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज रेशनल नंबर, द सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज इरेशनल नंबर, जो अपर में संख्याओं को जोड़ते हैं तो क्या जो नई संख्या आता है वो अपर में होता है सॉरी परमेय होता है, बिल्कुल नहीं, ये परमेय नहीं, 2 संख्याओं का जोड़ हमेशा अपर में ही आएगा, 2 संख्याओं को अगर जोड़ेंगे तो हमेशा परमेय आएगा,
सॉरी अपर में आएगा, पर में नहीं आएगा। जब भी देखो इसके पहले एक छुपा है, इसके पहले एक छुपा है, दोनों को जोड़ेंगे तो दो रूट दो होगा। ये रूट रूट जोड़ कर रूट चार नहीं हो जाएगा। इस रूट के पहले जो डिजिट है ना छुपा है ना, इसको ऐड करेंगे। ये डिजिट जो छुपा है इसको ऐड करेंगे और दो रूट दो आएगा जो क्या है अपर में, यानी कि इरेशनल नंबर है। अपर में मतलब इरेशनल नंबर। अब आपको कहेगा इसी तरह क्वेश्चन में कह दे कि क्या दो दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर इज रेशनल। सही है गलत? तो दो और दो का प्रोडक्ट करेंगे तो चार आएगा, चार का वर्गमूल दो आएगा। तो ये कंफर्म है कि दो का प्रोडक्ट मतलब रेशनल का इरेशनल नंबर का, ये इरेशनल था और इसका प्रोडक्ट क्या गया, रेशनल आ गया। इसका प्रोडक्ट रेशनल यानी परमेय आ गया और पूछ रहा था कि दो अपरमेय संख्याओं का गुणनफल क्या परमेय होता है, तो हाँ होता। तो इस तरह स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स हम कर लेंगे। तो ये तीसरा स्टेटमेंट और ये चैप्टर खत्म हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर को लेकर। तो शेयर कीजिए जितने अपने दोस्तों के कलीग से है जो घर पर बैठकर पढ़ना चाहते हो पढ़ेंगे। इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।